जी नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजनी सांडे। आप देख रहे हैं RN24 न्यूज। यह खबर आपको चौंका सकती है। बाइक पर पीछे बैठने की सोच रहे हैं तो हो जाए सावधान, वरना यात्रा पड़ सकता है महंगा। कैसे जाने इस खबर में। छपरा में अब दुपहिया वाहन चालकों के लिए नई नियमावली लागू हो गई है। जी हां, और यह उन लोगों के लिए है जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिनके पास गाड़ी है और वो उसे चलाते भी हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके पास लाइसेंस नहीं है, बगैर लाइसेंस के बाइक चलाते हैं, ट्रिपल लोड होकर बाइक चलाते हैं, बाइक पर पीछे बैठने के बाद भी हेलमेट नहीं लगाते हैं, फोर व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। इस तरह से ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने वालों पर अब विशेष तौर पर नजर रखी जाने वाली है। बगैर परमिट के ऑटो और टेम्पो चलाने वालों पर भी सारण जिले की ट्रैफिक पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। ऐसे लोगों के पकड़े जाने पर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। दरअसल सोमवार को सारण ट्रैफिक पुलिस ने जिले में अब पटना राजधानी की तरह विशेष तौर पर वाहन जांच अभियान चलाने की घोषणा कर दी है, जो जिला मुख्यालय सहित सभी थाना क्षेत्रों में लगातार चलेगा। बाइक पर पीछे बगैर हेलमेट दिखे तो कार्रवाई। मोटरयान निरीक्षक संतोष कुमार के अनुसार शहर के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर यह अभियान चलाया जाएगा। वहां पर ट्रैफिक पुलिस के अफसर और जवान मुस्तैदी से नियमों का पालन नहीं करने वालों को पकड़ेंगे। जिले में अभी बाइक पर पीछे बैठने वाले लोग बगैर हेलमेट के ही दिखाई देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस विशेष जांच अभियान के दौरान ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। बाइक पर पीछे बैठे लोग बगैर हेलमेट के मिले तो उन्हें भी जुर्माना भरना होगा। ग्रामीण इलाकों में भी बिना परमिट पर शहर के अंदर ऑटो और टेम्पो चलाने वालों पर भी सख्त नजर रहेगी, और बगैर परमिट के चलाने वालों से भी जुर्माना वसूला जाएगा। साथ ही नाबालिग चालकों पर रहेगी विशेष नजर। इस दौरान ट्रैफिक प्रभारी सुधीर कुमार सिन्हा, नव नियुक्त सब इंस्पेक्टर सुजीत कुमार, सुची कुमारी, दीक्षा सिंह, विपुल कुमार, सुनील कुमार, राजकुमार सिंह, आशीष कुमार सहित दर्जनों पुलिसकर्मी मौजूद थे। देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भारी वाहन, चरपहिया वाहन, दोपहिया वाहन चलाते हुए देखा जा रहा है, उन पर क्या कार्रवाई कर रही है परिवहन विभाग? अभी तो हम लोग 10 दिन पहले से जो भी माइनर बच्चे लोग यहाँ पकड़े गए हैं ट्रैक्टर चलाते हुए, बाइक चलाते हुए, उनको हम लोग प्रोसिक्यूट किए थे। 5 ऐसे बच्चे पकड़ाए थे, 3 ट्रैक्टर चला रहा था, 1 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटर चला रहा था। इसलिए हम लोग गार्जियन या जो गाड़ी के रजिस्टर्ड ऑनर हैं वो ट्रैक्टर के हों, बाइक के हों, ई रिक्शा के हों, ऑटो रिक्शा के हों, वो ये पहले समझ लें कि 20 साल से पहले कोई व्यावसायिक वाहन उम्र का नहीं चला सकता। ई रिक्शा शहर में बहुत ज़्यादा बच्चों के द्वारा व्यावसायिक वाहन है, 20 साल उम्र होने के बाद ही कोई उसको परिचालित कर सकता है लाइसेंस प्राप्त करने के बाद। बाइक चलाने के लिए जो गियर बाइक है उसके लिए उम्र 18 साल होना चाहिए, और अगर स्कूटी विदाउट गियर जो गाड़ी चला रहा है उसके लिए उम्र 16 साल। तो इसमें अब नया प्रावधान सेक्शन 199A मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 में प्रावधान आ गया है कि ऐसे परिस्थिति में अगर वो पकड़े जाएंगे तो जिनके नाम पे वाहन निबंधित होगा अथवा उनके गार्जियन को 3 साल जेल और साथ में 25,000 रुपया जुर्माना। हम लोग सारे गार्जियन या जो भी व्यावसायिक वाहन के मालिक हैं उनसे निवेदन करते हैं कि आप कम उम्र के बच्चे लोगों को गाड़ी चलाने के लिए नहीं था, नहीं तो आने वाली परिस्थितियों में जेल जाने का भी कार्रवाई किया। खबर वही जो है सही। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।